हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मित्रों, हमने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम बेस पर, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है मित्रों, जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 है और राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर वी। जन औषधि सप्ताह दिवस कब से शुरू किया गया है मित्रों? 1 मार्च से, 1 मार्च से शुरू किया गया और ये 7 दिनों तक इसका कार्य चलेगा मित्रों। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया है? तो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, रूस ने मारिया विमान को तबाह कर दिया है मित्रों। और मारिया विमान जो था ये यूक्रेन देश का था मित्रों। कहाँ का? यूक्रेन देश का। इस समय प्रेजेंट टाइम में मतलब इन दिनों रूस और यूक्रेन देश के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। आज 3-4 दिन हो गए हैं उसी के तहत इस मारिया विमान को ध्वस्त कर दिया गया है। किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामधानी का निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के मित्रों ये थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर वी। मित्रों बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक कर दें एक बार। पुरुषों की ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुँचे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों, पुरुषों की ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, डेनियल मेदवेदेव सदियों ये शीर्ष पर पहुंचे हैं। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये रूस के खिलाड़ी हैं। कहाँ? रूस देश के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों, गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, गूगल के द्वारा भारत देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की गई है। किसकी? प्ले पास सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ बढ़ते हैं मित्रों आगे, और गूगल अमेरिका की एक कंपनी है। इसके गूगल के जो सीईओ हो जाएंगे वो सुंदर पिचाई। क्वेश्चन नंबर 6, US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश मित्रों। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। बढ़ते मित्रों आगे, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है मित्रों? ढाका। भारत के पे सह संस्थापक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 है और राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, असनीर ग्रोवर मित्रों। असनीर ग्रोवर ने हाल ही में पे सह संस्थापक से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे, असनीर ग्रोवर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया? इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मांडविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं मित्रों आगे फटाफट, मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर शुरू किया गया है। बढ़ते मित्रों आगे, DSTCIH का सिंगापुर प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 है और राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते मित्रों इसी के साथ आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 10 है और सभी लोग सही आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। साथियों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंक ऑफ सखी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे, ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूजा जातयान में पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक इन्होंने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं मित्रों इसी के साथ आगे क्वेश्चन नंबर 11 के 12 की तरफ।
पूजा जातियान हरियाणा राज्य की बेटी है, मित्रों कहाँ की, हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप स्वास्थ्य का नवीनीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है और राइट आंसर होगा मित्रों इसका ऑप्शन नंबर वी, जापान। राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, जापान। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप का नवीनीकरण किया है, जापान। इसी के साथ बढ़ते हैं मित्रों आगे, जापान 6 अगस्त को हिरोशिमा और परमाणु बम विस्फोट हुआ था जापान में मित्रों। बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 की, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, संजय पांडे को। मित्रों किसको, संजय पांडे को मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते मित्रों इसी के साथ आगे, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मित्रों, आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। किसने, रूस ने सम्मान वापस लिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे, क्वेश्चन नंबर 15, रूस और यूक्रेन के बीच इस समय क्या चल रहा है, युद्ध। क्वेश्चन नंबर 15 है मित्रों, एनएएसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग सही आंसर देंगे, एनएएसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, भूषण पटवर्धन, एनएएसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मित्रों आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अवतार स्टडी 70 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।